हेलो जी, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शूट करने का ऐसा सच मेरा कोई प्लान नहीं था, बट ये ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि हमने एक पार्सल मंगाया था जिसको हमने ऑर्डर किया था, बहुत बहुत ढूंढने के बाद ऑर्डर किया था। आज वो पार्सल आने वाला है। तो बेसिकली वो पार्सल क्या है, हम लोग ने स्टडी टेबल बोल सकते हैं या आप ऑफिस टेबल बोल सकते हैं, उसको हमने ऑर्डर किया है। किस कंपनी से किया है, क्या उसकी कॉस्टिंग है, वो सारा कुछ मैं प्रोडक्ट जब उसको अनबॉक्स कर दूंगी तो मैं खुद बता दूंगी उसमें कि वो क्या है। और दूसरा ये है कि एक्चुअली ये किस, ऐसा मैं इसके लिए स्पेशल व्लॉग क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ये हमने जो टेबल परचेज की है ये है इलेक्ट्रिक हाइट एडजस्टेबल टेबल। तो एक आती है मैनुअल। तो बेसिकली ये कैसे क्या काम करती है, कैसे हम इसको ऑपरेट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बता दूंगी ब्लॉग में। तो इसको पार्सल को रिसीव करते के साथ ही उसको अनबॉक्स करेंगे हम, क्योंकि बहुत एक्साइटेड है। बहुत 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 रिसर्च के बाद हमने ये चूज़ की, सेम ऐसी जैसे कि हमने अपनी चेयर के लिए बहुत ढूंढा था कि कौन सी चेयर हमारे लिए बेस्ट रहेगी या कौन सा हमारी यूजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जाएगी। आ गई, आ गई, टेबल आ गई। स्माइल देखो। मेरा पार्सल आ गया है, अब टाइम है उसको अनबॉक्स करने का, उसको असेंबल करने का, क्योंकि ये हमें सेल्फ असेंबल करनी है। इसकी असेंबली नहीं करके मिलती है और ना ही हमें इसकी सर्विस मिलती है कि आप इसको असेंबल करवाएं, तो ये हमें खुद से करनी है। सेम वैसे ही स्ट्रगल करना पड़ेगा थोड़ा जो हमने चेयर के लिए किया था। और इसमें भी एक अपना ही फन है, लेट्स सी कि हम इसको कितना अच्छे से असेंबल कर पाते हैं। हमने इसका टॉप, जो टेबल का टॉप रहता है वो, और टेबल का जो स्टैंड रहता है वो, दोनों ही वाइट कलर का चूज़ किया है। तो मतलब पूरी टेबल हमारी वाइट रहेगी। और अभी जो स्टडी टेबल है उससे थोड़ी बड़ी की है, और एक बार ये टेबल असेंबल हो जाए उसके बाद में मैं दिखाऊंगी भी कि ये कितना स्पेस ले रही है रूम में, क्योंकि मुझे थोड़ी ये बड़ी लग रही थी, बट सुनील के अकॉर्डिंग, उनकी जो यूजेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको था कि मुझे इतनी बड़ी चाहिए। तो ठीक है, अभी इसको असेंबली स्टार्ट करेंगे। और इसको चेयर को वहाँ पे सेटअप करने के बाद में मैं एक वो भी दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है वो, मेरा रूम कैसा लग रहा है, स्टडी रूम, क्योंकि मुझे स्टडी रूम को भी पूरा सा रिनोवेट करना है, एक तरह से पूरा डेकोरेट करना है, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम जाएगा। पर अभी मैं दिखा देती हूँ कि अभी तो एकदम सिंपल प्लेन पड़ा हुआ है, तो उसमें काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता, तो उसको थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि हम बैठने में अच्छा लगे। तो चलो असेंबली शुरू करते हैं। उससे पहले बहुत तेज़ बारिश आ रही है, मैं पुणे का वेदर दिखा देती हूँ कि ये वेदर कैसा हो गया है। और चलो 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 चलो, ऐसा मौसम हो रहा है, तेज हवा चल रही है बहुत, देखो नीचे पेड़ों से पता चलेगा, और ये बारिश गिर रही है। यहाँ ये मेरे प्लांट्स हैं, ये मेरा मनी प्लांट, मुझे यहाँ के लिए भी ना पॉट्स लाने हैं। बहुत तेज बारिश है, बहुत तेज, पूरा वो देखो, वो पूरा वहां पे, वो पूरा हिल साइड है, वो पूरा वाइट हो गया है।
चलो असेंबली शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, क्योंकि ये बारिश तो यहाँ चलती रहेगी, बारिश का ही मौसम है। और इसके साथ साथ जल्द बहुत ही जल्दी अब शुरू होने वाली है हमारी ट्रैवलिंग, तो हम वीकेंड्स पे अपना ट्रैवल व्लॉग भी शुरू करने वाले हैं, कि वीकेंड्स पे या वीकडे पे डिपेंड करता है जैसे भी जा पाएंगे। सो बने रहिए हमारे व्लॉग में और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और कुछ जानना है अगर टेबल के बारे में या फिर हमारे महाराष्ट्र में कौन कौन से ऐसे प्लेसेस है जहाँ हम घूमने जा सकते हैं, तो आप उसके बारे में भी कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं कोशिश पूरी करूंगी कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ। और हाँ, इस टेबल को असेंबल मैंने कैसे किया है इसके लिए मैं सोच रही हूँ इसका एक सेपरेट व्लॉग रखूंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं सपोज मैं हूँ, मुझे सिर्फ इसकी असेंबली देखनी है, तो मैं चाहूंगी कि मैं बहुत क्विक वे में असेंबली देखूं कि कैसे कैसे मैंने असेंबल की है। तो पूरा ब्लॉग देखने में थोड़ा सा सबको लगता है कि हमारा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, तो मैं उसका स्पेसिफिकली पूरी असेंबली कैसे कैसे उसके हर एक पार्ट्स को मैंने असेंबल किया वो मैं एक सेपरेट ब्लॉग में डाल दूंगी, और अगर वो छोटा ब्लॉग रहा तो मैं इसमें भी डाल सकती हूँ, अदरवाइज ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। चलो मिलते हैं जल्दी से टेबल को तैयार करने के बाद। अभी मैं हटा देती हूँ इसको, जिससे कि यहाँ पे ना उसके वो पार्ट्स तब भी दिख जाएंगे, नहीं तो वो स्क्रू वगैरह ना मिलते नहीं है। ये तो बहुत भारी है, अरे ये आप लेके आओ क्योंकि ये नहीं भाई, नहीं मैं रिस्क नहीं ले रही, आप करो इसको। इतनी क्या है ये? अच्छा, और इसी के साथ स्वागत होता है तेज बारिश का। यस, कंपनी है जिन ऑफिस, सो बेसिकली अब हम इसके पार्ट्स पे आते हैं। असेंबल इंस्ट्रक्शन मैनुअल ये है, ये क्या है? केबल, ये देखो नट एंड बोल्ट, ये हुआ है आपका। निकाल दो इसको जिससे ये बॉक्सेस जो है ना मैं फिर वो कर देती हूँ। इसमें ना ये वाले पार्ट्स ना इसमें वापस से डाल, ये थर्माकोल वगैरह ना, और ये जिससे कि स्पेस हो जाएगा फिर। ये एक कोने में वो रह गया, अभी इसको उसी साइड में रख देते हैं। नाउ time to open tabletop. Right.
पड़ी है। टन टना टना ना ना। वाह जी वाह। अब हमारी टेबल बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है कंप्लीट होने के। कमरे की हालत दिखा देती हूँ, जो हमारा स्टडी रूम था अभी उसकी कैसी कंडीशन है और हमें कितना चीज़ों को भी सेट करना है। ये अपने आखिरी पड़ाव पे कंप्लीट होने के। तो मैं बात कर रही थी, ये जो यहाँ पे टेबल हुआ करती थी अभी हमने यहाँ पे मीनवाइल रख दी है। सो अभी ये वाला जो वॉल है मुझे ये थोड़ा सा डेकोरेट करना है क्योंकि एकदम प्लेन है। और ये जो वो है शेल्फ टाइप का, इसको पूरा इसमें कुछ पीसेस वगैरह लेकर आऊंगी अच्छे। और कर्टेंस, ये कर्टेंस चेंज करने हैं। ये वॉल जो है, इस वॉल को मुझे थोड़ा ठीक करना है, ये वॉल ठीक करनी है। और ये यहाँ पे मैं सोच रही हूँ यहाँ पे मैं वाइट बोर्ड लगाऊंगी, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती तो ये तो ऐसे ही रहने वाला है। और बस ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। एक्चुअली ये कर्टेंस तो मुझे चेंज करने हैं क्योंकि ये कर्टेंस जो है, इन कर्टेंस को 10 साल हो चुके हैं। तो अब तो ये कर्टेन भी बोल रहा है कि फेंक दे बहन, फेंक दे, कितना हमारा खून पिएगी। तो चलो अभी इसके फाइनल स्टेप को अंजाम देते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं कि इसका क्या लुक है। मैं इसको हाइट को जैसे सपोज मेरे को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग चाहिए तो मैं ये यूज कर सकती हूँ, किसी को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग नीचे ऊपर चाहिए तो वो हो जाएगा। अभी इसको और हम अच्छा इस पे मैक्सिमम देखते हैं मैक्सिमम हाइट कितनी है। ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई। तो वैसे तो इतनी हाइट का कोई यूज नहीं है, इतनी ज्यादा हाइट पे क्या ही करना है। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से बिल्कुल फेयर फीडबैक देने की कोशिश करूंगी।